Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. अपन आज बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसका हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उससे संबंधित, और उसके बाद उसके जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो भी अपन यहाँ पे जानेंगे, और बाद में एक पूरे के पूरे वर्ड की है जो अपन कम्प्लीटली एनालिसिस उसको करेंगे, और उसकी के साथ में है जो आपको हिंदी मीनिंग भी है जो बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली तो बात ये आती है हमारे सामने कि वाई इज़ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वी विल चूज़ अबाउट द एनी, मतलब स्पेशली अपन जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को जो अपन चुनते हैं, जब इसका सिलेक्शन अपन करते हैं, तो अपन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्यों चुनते हैं, ये आपने थंबनेल पे देख के पता लगा लिया होगा। ये है जो कॉम्प्रेंसिव होती है, रिलायबल होती है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है समझने के लिए भी, और जो भी ऑथेंटिक जो होती है, या फिर जो जिसे मैं कहूँगा एक मान्यता जो होती है, ऑथेंटिक जो वर्ड्स है वो ही इसमें है जो दिया जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत या फिर लगभग 20-30 वर्ड्स आई विल टीच यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप पूरा का पूरा फोकस कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है एंटी क्लाइमैक्स। क्या दिख रहा है? एंटी क्लाइमैक्स। अब देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या यहाँ पर दे रखा, एंटी मतलब आधा न है, ठीक है, और उसके बाद जो है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, तो इसको अपन है जो क्या बोलेंगे, एंटी, एंटी न का बिल्कुल थोड़ा सा है जो कम साउंड आएगा, एंटी क्लाइमैक्स। ये यहाँ पर है जो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, जो कि एंटी क्लाइमैक्स जो हो रहा है, ठीक है। और इसकी अगर ज़्यादा जानकारी लेंगे तो ये अपना नाउन है, ठीक है, और इसका जो स्पेशली जो यूज़ किया जाता है इस वर्ड का, वो होता है एन इवेंट, एक घटना जिसे अपन कहेंगे, या फिर इत्यादि, दैट इज़ लेट, दैट इज़ लेस एक्साइटिंग, जो बिल्कुल आपको कम उत्तेजित करे, ठीक है, देन यू हैड एक्सपेक्टेड, जिससे कि आपने उससे इतनी एक्सपेक्टेड की थी, उससे इतनी आशा की थी, और उससे कम आपको ये आपको लेस एक्साइटिंग करें, और देन व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, और उसके बाद भी जो कि सारा सब कुछ पहले से ही हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में अपन है जो यूज़ करेंगे एंटी क्लाइमैक्स का। और इसको अपन हिंदी में अगर जानेंगे तो वो होता है उच्च प्रत्याशा के विपरीत घटित निराशाजनक घटना। जैसे कि मान लो अपन ने किसी से हैं बहुत ही ज़्यादा है जो आशा रख रखी है, और उससे पहले ही है जो अपने साथ कोई निराशाजनक घटना अगर हो जाए उसी से संबंधित, तो उसको अपन कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। और एक क्लाइमैक्स जो सीन होता है वो मूवी में होता है, और ये जो है सबसे ज़्यादा है जो एक प्रकार से अपन इसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं एक किसी भी मूवी का, जैसा इंटरवल होता है उसी टाइप से। और इसको अगर वाकई में अगर जो प्रॉपर जो हिंदी में वो जो वर्ड है वो होता है इसका प्रतिकर्ष। तो देखिए यहाँ पर आगे, उसके बाद मैं मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद ये बात आती है हमारी एंटी क्लाइमैक्स, अपना है जो कम्प्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे अपन एंटी क्लाइम की। क्या है एंटी क्लाइम? यहाँ पे देखिए एंटी क्लाइम, देखिए एंटी क्लाइम हमारा क्या है, नाउन है। अब देखिए ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन जियोलॉजी, भू विज्ञान के संदर्भ में, इन एरिया ऑफ ग्राउंड, एक एरिया ग्राउंड का, भूमि का, वह लेयर जहाँ पर जो लेयर जिसको अपन परत कह सकते हैं, सतह कह सकते हैं, ऑफ रॉक, एक चट्टान की, इन द अर्थ पृथ्वी में, इन द अर्थ सरफेस, इन द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर, हैव बीन फोल्डेड इन टू एन आर्च, जो कि क्या की गई हो, मोड़ी गई हो। अब देखिए यहाँ पर भू विज्ञान से संबंधित इसका मीनिंग होता है, और डिफरेंस देख लेना इन दोनों में, एंटी क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइम, एंटी क्लाइम में, तो भू विज्ञान में वह भू क्षेत्र, भू विज्ञान की भाषा में अगर बात करें, वह भू क्षेत्र, एक भूमि का जो टुकड़ा जहां पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टान की परतें मेहराब की शक्ल में मुड़ी हो, मेहराब की शक्ल में मुड़ी रहना, ठीक है ना, एक प्रकार से उनका है जो अर्थ सरफेस फोल्डेड, फोल्ड रहना उनका, ठीक है ना, फोल्ड रहना ही यहाँ पर मेहराब की शक्ल की तरह मुड़ी हुई बताया गया है। और इसी का जो वर्ड है जब अपन आगे देखेंगे, एस पे आएगा अपना सिंक्लाइन, जिसे अपन कहेंगे,
और देखिए काफ़ी इजी जो वर्ड है वो आया है अपना एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज देखिए सीधा सा समझ सकते हो, क्लॉक वाइज तो अपन कह सकते हैं कि घड़ी की सुई के अनुसार घूमना, लेकिन अपन एंटी क्लॉक वाइज की अगर बात करेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में अपने को घूमना, ये एक एडजेक्टिव होता है। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोमेंट, एक अपोजिट डायरेक्शन होगी ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है ना। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अपने हाथ की है जो घड़ी की सुई अगर उल्टी दिशा पे अगर घूमती है तो एंटी क्लॉक वाइज वो डायरेक्शन होती है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता है, लेकिन ऐसी हैं जो कुछ, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, टर्न द लीड एंटी क्लॉक वाइज इन द एंटी या फिर इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कि आपको है जो कोई भी काम जो करना है या फिर कोई भी आपका एल्गोरिथम है तो वो एंटी क्लॉक वाइज के हिसाब से है। और इसका जो अपोजिट वर्ड इसने साफ साफ दे रखा है जो मैंने सबसे पहले डिफाइन किया आपको, वो है क्लॉक वाइज। तो उसके बाद है जो आगे अपन देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन एंटी को एग्लेंट सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर, तो ये सब सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी सिखाती हैं, और उसी के साथ है जो ये अपने को इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो अपन बोलते हैं वो भी हमें सिखाती है। तो देखिए इसका जो एंटी कोए, इसको जब अपन बोलेंगे तो यहाँ पर है जो अपन इंडियंस तो बोल देंगे इसको एंटी कोई गलेंट, जबकि ऐसा नहीं है, ये है एंटी को एग्लेंट। एंटी को के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है, एग्लेंट ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए रक्त को गाढ़ा होने और थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ, हमारे रक्त को जो है वो या तो गाढ़ा होने से या फिर थक्का बनने से, स्कंद रोधी है जिसको अपन बोल सकते हैं इजीली। अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम बिकमिंग थिक एंड फॉर्मिंग लम्प्स, हमारे जो ब्लड को है जो ये रोकने में, थक्का बनने से रोकने में या फिर गाढ़ा होने से रोकने से, ये हमें है जो इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं और जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंटीकोएगुलेंट। तो ये उसके बाद अपन आगे चलेंगे तो एक छोटा सा वर्ड है एंटिक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है, एंटिक्स नाउन है और यहाँ पर देखिए एंटिक्स और इधर भी देखिए एंटिक्स। तो मेरे साथ साथ अगर आप बोलते भी हो तो ये आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो इसका जो मीनिंग होता है फनी, स्ट्रेंज और सिली वेज। सिली वेज मतलब होता है एक प्रकार से बिल्कुल जो मूर्खतापूर्ण तरीके होते हैं, लेकिन वो संपूर्ण जो मूर्ख जो व्यक्ति जो ऐसी जो क्रियाएं करता है, ऐसे एक्शंस जो करता है, उसको अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो सिली वेज ऑफ बिहेविंग, बेतुकी हरकतें, मशकरापन, अजीब फनी टाइप जिसको अपन कह सकते हैं उसको अपन बोल सकते हैं एंटिक्स। काफ़ी अच्छा वर्ड है अगर है जो, फनी तो है जो आजकल सभी है जो यूज़ करते हैं, दिस इज़ फनी, लेकिन अपर हैं जो यहाँ पर अगर एंटिक्स यूज़ करते हैं तो एंटिक्स आपकी है जो आपकी वोकेबलरी को भी बढ़ाता है, एनहांस करता है, और उसके बाद जो है एंटिक्स एक काफ़ी मॉडर्न वर्ड भी हो जाता है। इसके बाद जब अपन आगे चलें तो एंटी साइक्लोन, ये अपना लास्ट वर्ड रहेगा इसका एंटी साइक्लोन। बाकी अपन डेली बेसिस पे यहाँ पर रेगुलर स्टडी करते रहेंगे, एक भी वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यहाँ पे अपन नहीं छोड़ेंगे जिसको अपन